का जीवन और उसके संदेश ऊपर एंड इन अबाउट दिस मैसेज वी और उसके संदेश के बारे में दो बातों के ऊपर हमने अपने पिछले मनन में बात की है जॉन द बैप्टिस्ट स्पोक वेरी प्लेनली अबाउट सिन और यहुना बपतिस्मा में देने वाले ने बड़ी स्पष्ट और साधारण रीति से पाप के बारे में बोला एंड सेकंडली और दूसरी बात जॉन द बैप्टिस्ट स्पोक वेरी प्लेनली थर्ड एंड और, और तीसरे और चौथी बात जो उसके संदेश के बारे में है उसके ऊपर हम मनन करीचिंग जो तीसरी बात उसके प्रचार के बारे में है

और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरों को सिखाएं और खुद भी सीखें कि सिर्फ क्षमा काफी नहीं है एंड इट इज नॉट द ओनली एक्सपीरियंस फॉर अस टू नो एंड एक्सपीरियंस और ये सिर्फ इतना ही एक अनुभव हमारे लिए काफी नहीं है एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट फॉर अस वर्क ऑफ क्राइस्ट फॉर अस इज फॉर गिवेन एस और प्रभु येशु मसीह का कार्य हमारे लिए है क्षमा वर्क ऑफ द होली स्पिरिट In us is to to, to fill us. और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे भीतर ये है कि हमें भर दे See in our salvation, the whole Trinity, the Holy Trinity, all three persons in the Holy Trinity are involved. और याद रखिए कि हमारे उधार में त्रिएक परमेश्वर का हर एक व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है And uh, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फिर जरूरी के द्वारा और उससे सामर्थ्य that is that we may be living witnesses to the truth of Jesus Christ of और Nazareth। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की

फॉर दर्पज ऑफ डेली है जॉन द बैप्टिस्ट वॉज द फर्स्ट फ्यूचर टू इंट्रोड्यूस द होली स्पिरिट टू दर्ल्ड और युना बप देने वाला वो पहला प्रचारक था जिसने पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को बताया After introducing the second person in the Holy Trinity, जब उसने त्रिएक परमेश्वर या पवित्र त्रिएक परमेश्वर के व्यक्तित्व के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में बोला, who is Jesus Christ the Messiah? जो है यीशु मसीह जो मसीहा है. When he started his preaching ministry, जब उसने अपने प्रचार की सेवकाई को शुरू किया, he told the people that Jesus Christ who is going to fill you with the

And the second person uh, to he introduces is the Holy Spirit. That Jesus Christ Himself will baptize you or fill you with the Holy Ghost. And so we see how important for us to be filled with the Holy Spirit because Jesus Himself saw the need for His disciples to be.

यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता थी तो आज के दिन आपको और मुझे कितना ही ज्यादा उस पवित्र आत्मा का आवश्यकता है नॉट ओनली टू बी विटनेस एंड डिक्लेयर द ट्रूथ ऑफ जीसस और न केवल कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनकर उसके सत्य की घोषणा करें बट ऑल्सो टू बी एम्पावर्ड बाई द पावर That we may be witnesses for लेकिन him. साथ ही साथ हम उस सामर्थ और शक्ति से भर दिए जाए ताकि हम जीवित गवाह के रूप में उसके लिए जीने पाएरलीफ अनबिलीविंग यहाँ नब्तने वाले ने बड़ी साधारण और स्पष्ट रीति से बात किया उस खतरे के बारे में जो अविश्वास के द्वारा आता है डॉन्ट द बैप्टिस्ट प्रीच क्लियरली एंड प्लेनली अब

जमेंट और ये कोई नम्रता की बात या कोई भली बात नहीं कि हम न्याय की शिक्षा को ना दें और उसे खुद के पास गुड और हमें ऐसा करना है ये शिक्षा देनी है क्योंकि ये काफी अच्छी बात होगी यू नो जी स्पोक मोर अबाउट heaven. यीशु ने भी कई ज्यादा नर्ग के बारे में बात करी इससे ज्यादा कि स्वर्ग के बारे में To hear about the sin, holiness, and righteousness. एंड रिपेन्डेंस और आज के दिन तो ये बहुत ही कम हम सुनने को मिलता है लोगों का प्रचार में ना ही मन फिराने के बारे में है ना ही पाप के बारे में ना ही परमेश्वर के न्याय के बारे में हाउ अबाउट जजमेंट और न्याय के बारे में क्या कहें दॉपुलर से जो बहुत अच्छी या जानी मानी कहावत है की एक प्रेम करने वाला परमेश्वर कभी भी किसी को भी नर्ग में नहीं भेजेगा इट इज ट्रू और मेरे मित्रों तो सत्य है गॉड डस नॉट सेंड एनी बड़ी इन टू हेल बिकॉज इट इज नॉट हीज प्लेर टू सी एनी वन गो टू हेल एंड बी लॉस्ट क्योंकि यह तो परमेश्वर ही है जो नहीं चाहता या वो प्रसन्न नहीं होता कि वो किसी को भेजकर नरक में वो प्रसन्न हो जाए बिकॉज बाइबल से इट इज नॉट not God's desire for anyone टू बी lost eternally by refusing. टू बिलीव इन जीजस और ये जैसा कि वचन में लिखा है कि यह परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि कोई भी खो जाए उसका इनकार कर सो इट इज हिज डिस ऑल मैन एवरी वे टू रिसीव इटर्नल लाइफ थ्रू फॉर्गिवनेस ऑफ सिंस बाई बिलीविंग इन एस और इसलिए उसकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य हर एक मानव उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पाले सो many people, majority ऑफ पीपल आर गोइंग टू hell? लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग नर्ग क्यों जा रहे हैं तो चॉइस और मुझे एक चुनाव करना है। What is that choice? और वो चुनाव क्या है इट इज our चॉइस where वी वॉन्ट टू स्पेंड eternity। और ये तो हमारा चुनाव होगा कि हम अपने अनंत को कहा बिताएंगे वी वॉन्ट टू स्पेंड अवर इटर्निटी इन हेल्थ क्या हम अपने अनंत को परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बिताएंगे या हम अपने अनंत के समय कोई चुनाव है जो आपको और मुझे चुनना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे समुख दोनों रास्तों को रख दिया है बट ही विल नोट चूज फॉर यू लेकिन वो आपके और मेरे लिए नहीं चुनेट वंस आई चूज लेकिन जब मैं चुन लेता हूँ चूज द वे टू लाइफ और मैं उस जीवन के मार्ग को चुन लेता तब आता and है है He और the way. वो हमारे उस यात्रा में हमारी सहायता करता लेकिन अगर हम चुनते हैं जिम्मेदार नहीं है बिकॉज ही हैज मेड यू विद्रमेंडस विटी टू रीजन आउट एंड मेक यूर choice। क्योंकि उसने आपको एक अद्भुत उस आ, उस इच्छा के साथ बनाया है कि आप चुनना चुनें टू हैवन द वे और याद रखिए स्वर्ग का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह लास्टली और अंत में एंड फिफ्थली एंड लास्टली जॉन द बैप्टिस्ट स्पोक क्लियरली अबाउट द सेफ्टी And blessedness of true believers. ये जहुना बपतिस्मा देने वाले ने बड़े स्पष्ट और साधारण रीति से बोला उन विश्वासियों के लिए या उनके लिए जो उस पर विश्वास करेंगे वो कैसे आशीषित होंगे और एक खास सुरक्षा को पाएंगे। टॉक्स अबाउट द द वीट एंड चाफ। और वो वो बात करता है वो और घास के बारे में एंड देर बी बर्न इन द फायर। जबकि उस गेहूं से घास को अलग करके जला दिया जाएगा बट गैदरिंग ऑफ ऑल ट्रू बिलीवर्स विच मीन दिट ंग टू क्राइस्ट लेकिन वो सारे विश्वासियों का एक जुट हो जाना या मिल जाना जो कि गेहूं के समान एक साथ इकट्ठा होने के लिए है वो एक आनंद की फ्रेंड्स दैट डे इज और मेरे मित्रों, वो दिन बहुत जल्द ही आ रहा है We बेटर गेट रेडी और होने दे हम तैयार हो जाएं। एंड रिटर्न इमेजिन और उसका आगमन कई बहुत निकट है जैसे आपने सोचा भी He नहीं। is at the door. वो तो अपने आप के दरवाजों पर खड़ा है गेट रेडी आप तैयार हो जाए no क्यूँकी अब बिल्कुल समय नहीं बचा टाइम इज गेटिंग ओवर और वो समय समाप्त हो रहा to change है। and to repent. हम मन फिरावे और अपने मन को बदले टूडे Is the time. And if there anyone listening to me this morning and you do not know Jesus personally, do it today itself by kneeling by your bedside or wherever you are and asking Jesus to come into your heart. बाई रिटपेंटिंग और यदि आप में से कोई भी आज की सुबह ऐसा है और मुझे सुन रहा है जो यीशु को नहीं जानता के दिन आप इस बात को करें कि अपने घुटनों पर जिस भी स्थान पर आप हों बैठ जाएं अपने पापों का अंगीकार करें और उसे अपने परमेश्वर और प्रभु के रूप में आप सबके ऊपर यीशु हम धन्यवाद करते हैं हम सबके लिए जिसने संदेश को came into this world as the Lamb of God to be a sacrifice to take away the sins of the और world. और हम जानते हैं कि तू इस संसार में एक मेमने के रूप में आया ताकि इस संसार के सारे पापों को हर सके. Therefore, we know that salvation is available for everyone. और इसलिए हम जानते हैं कि अब ये उधार हर एक के लिए उपलब्ध है. Eternal life is ready. For us, और वो अनंत का जीवन हम सबके लिए तैयार है and Jesus is coming soon. और वो येशु जल्द ही आ रहा है। तो इन सब बातों की ज्योति में ये बात को जानते हैं कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बदलने uh, and those who are convinced of the truth। और वे जो इस सच्चाई को जानते हैं होने अपने हृदयों को खोल इनवाइट

टू गेट राइट विथ गॉड थ्रू फेथ इन जी और ये एक दिन है जब आपके पास मौका है कि आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संग एक सही व्यवहार में आ जाए गॉड ब्लेस यूश्वर आप सबको आशीष दे जैसे आप